ये तो आपके खिलाफ काफी अच्छी गेंद बन सकती है दूसरे वाले के लिए। बार लेकर खेला है लेकिन फिर से चूक, क्या यहाँ पे गोल चुका, जी हाँ सनसनाता दंगनाता चुका बन सकता है। इस बार अच्छी गेंद पर सही रफ्तार बढ़ाने के बाद अंतर को पार करते हुए इस बार पर लगी गेंद कैच, किस प्रकार से इनकी गेंदबाजी होगी। चलिए दूर वाले छोटे बाकी के यहां पर क्या अपील है, क्या है सर जितने भी तमाशाई और ये बच्चे और बच्चियां हमारे साथ मौजूद हैं, पुरजोर तालियों के साथ हमारे मेहमान खुसूसी का जो है इस्तकबाल करें। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथी कमेंटेटर जो मैं उनसे गुजारिश है कि फोन लेके मेरे पास आ जाए प्लीज। चले 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 कुछ तो अच्छा लग रहा है, कोई सपोर्टर यहाँ से मुझे आवाज दे रहा है, अब इनके साथ बात करते हैं। सो यू बी ग्रो सो और इस फाइनल मुकाबले को जो है चार चांद लगाने में कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बारामूला के मीडिया का जो आज दोपहर 3 बजे से ही हमारे शैला के लिए पुरजोर तालियां हो चारों तरफ से। बैकफुट पे जाके गेंद को निकाल दिया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, जब तक गेंद का पीछा करेंगी रोकने में कामयाब हुई। एक और रन का इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 62। जीपीएस बारामूला अपनी रनर्स अप ट्रॉफी हासिल करती हुई। खूबसूरत 8,000 रुपए का नकद इनाम, कुछ और तालियां हो चारों तरफ से इनके की तरफ से एक खूबसूरत जा सकती है अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। बहुत बहुत मुबारक बात शीशु आपको। मैं शुक्रगुजार हूँ बारामूला क्रिकेट फोरम का जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में हमारा काफी ज्यादा ताउन किया। मैं शुक्रगुजार हूँ सेंट जोस की बातें आप आ गए हो तो कुछ जिन्होंने इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में हमारी मदद की उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मधुरम शाह, शुक्रिया अदा करता हूँ वक्तन फवक्तन हमारी हेल्प करते हैं। मधुरम ओवर का प्रसाद जो कि सपोर्ट और वाइस प्रिंसिपल सेंट जोस स्कूल के डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से बिलोंग करती हूँ और मैं अनंतनाग टीम से खेल रही हूँ जिन्होंने आज ये ट्रॉफी जीती है, फाइनल मैच जीता है। तो हम आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने यहाँ पे ये टूर्नामेंट का आगाज़ किया था और हमें अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। जी बिल्कुल होने चाहिए क्योंकि इनसे ही मतलब इंसान को मतलब आगे बढ़ने का हौसला मिलता है
और इनसे मेंटालिटी भी अच्छी रहती है और भी अपना सेहत भी अच्छा रहता है स्पोर्ट्स के। फाइट बहुत ही टफ थी क्योंकि कई हद तक हमें लगा कि हम अपने हाथ से मैच हार चुके हैं, लेकिन हमने मेहनत की, मेहनत ज़ाया नहीं होती है, तो हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और इनको अपने ही होम ग्राउंड से हमने ट्रॉफी खींच के लाई। जी मेरा नाम शीशल एजाज है और मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करती हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला की टीम से खेलती हूँ। चली हमारी कैप्टन है और हमारी टीम का नाम है गेम्स विंग गर्ल्स बारामूला। और जो रही बात KPL के हवाले से, जो हमारा ये KWPL हो रहा है सर, ये इंडियन आर्मी टूर्नामेंट कर रही है 2020 से, और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हम लड़कियों के लिए जिसमें हम अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। जी सर, जो मैच हमारा था, वीकनेस थी हमारी थोड़ी सी फील्डिंग। हमारे पहले ही ओवर में जो डाला हमने वहाँ पे थोड़ी फील्डिंग डिले हुई और 3-4 कैच भी मिस हुए, इसलिए इस वजह से सर हमारे हाथ से मैच फिसल गया। जी सर, मैं इंडियन आर्मी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये साल में सिर्फ एक ही टूर्नामेंट करते, ऐसे ऐसे टूर्नामेंट बहुत सारे करें क्या इस टूर्नामेंट से हम जैसे लड़कियों को प्लेटफॉर्म मिलता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। सर